तो बड़ी ताई ने बनाए हैं टिक्के और है भी बड़े मजे के भी चखाए हैं। पिछली बार आपकी कितनी शुगर है? 5.8। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं कंजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंजा का आशियाना। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई आज है 8th of कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज है 8th of July और डे है सैटरडे और आप सोचोगे मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ। तो भाई बात दरअसल यह है कि आज ईद वाली दावत है, मतलब ग्रैंड दावत जो हमारे ददियाल में होती है दादा अबू के घर, और सब वन डिश होते हैं वो बना के लेकर आते हैं। रोना की वजह से सबने मुझसे मना कर दिया था कि कुछ ना बना के लाइएगा, लेकिन फिर भी मैंने मम्मा से कहा कि नहीं मैं पास्ता बना लूँगी। अब पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं बना, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही बना है। फैस कह रहे हैं अच्छा बना है। तो ये सारी सिचुएशन है और बस हम लोग निकलने लगे हैं, बल्कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि लाइट आपको पता है कितना तंग कर रही है और बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी मम्मा को लेना है रौनक की तरफ से क्योंकि मम्मा रौनक की तरफ हैं। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वजह से लेट हुए हैं। तो आज की जो ग्रैंड दावत का व्लॉग है हम शुरू करते हैं वन डिश दावत का। और अभी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ कि ड्रेस मैंने क्या पहना, वैसे अच्छा लग रहा है ना, है ना? मेरा वैसे लग रही, मेरे पापा ने कहा ये पहन के जाना है, मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रहे नहीं अच्छा लग रहा है। तो भाई चले फिर आज के मताफ और जहूक वहाँ पे गाड़ी पर उनको भी दिखाती हूँ और जल्दी से आज के व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक का बटन लास्ट में दबा दिएगा। तो भाई ये देखें, ये एक, ये दो और ये तीन, ये मैंने रौनक के लिए बनाया है और ये दो पास्ते। तो भाई ये मेरी डिश नंबर वन है, शक्ल से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना अच्छे, और उम्मीद है कि वैसे भी अच्छे ही होंगे। ये फैज आ गए। तो भाई ये आज मेरी थोड़े बाल लग रहे हैं आगे ज़्यादा हो गए हैं ना। ये मेरे आज का ड्रेस है, ये फैज ने लिया था, दुपट्टा फैज ने निकाला है, ट्राउजर वाइट मैंने मैच किया है, तो मुझे स्टिच मैंने खुद करवाया है, ठीक है पिक्चर्स में आपके साथ शेयर करूंगी, वहाँ जाके सोच कोशिश करूंगी फिर देखूँ। अरे इतनी घबराहट अपनी होती है कि नहीं आ जाता। चले बाय। ये जी मताफ, हेलो कर दो। हेलो। इधर देखे ना, ये ला पाला बेटा, देखे कितना पाला लग रहा है। ये यूक साहब, इन्होंने भी वाइट शर्ट पहनी है। तो फैज साहब, ये पापा और ये मैं, और ये जी पीछे ये देखे जी पास्ते रखे हैं। और ये जी लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं कि हर जगह ही नहर बन गई है, कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। बस बहुत बुरा हाल हो गया बारिश से। और फैज़ जो हैं वो गए हैं अंदर से मिठाई वगैरह लेने, क्योंकि हमें पहले रौनक की तरफ जाना है। तो उसके लिए ये कुत्ता है, मुझे बताओ अंदर हो। जैसे कि आपने देखा कि जहूक साहब सो गए और सुबह से सोने के लिए कर रहा था, लेकिन मैं उसे सुला नहीं सकी थी, रोशनी कम आ रही है, लेकिन अब सुला दिया है क्योंकि मैं मसरूफ़ होती। और अब हम आ गए रौनक की तरफ, जैसे मैंने बताया था कि मम्मा को लेना है, तो मम्मा को लेंगे और वहाँ पे भी सब 7 बजे तक ही आएंगे क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है वहाँ। वैसे सब ने करीब करीब ही आना है, सिर्फ दो हैं उन्होंने दूर से आना और एक हमने, लेकिन 7 बजे तक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग पहुँच जाएँगे। और यहाँ दर्द इतने ज़्यादा है कि लाइट जो है ना वो कम हो रही है ना। हाँ शाम का भी टाइम है और थोड़ी बारिश के मौसम की वजह भी। तो चलें बस अब रौनक की तरफ से अब मम्मा को ले लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। ये रौनक ये जा नहीं रही है। हम आपको मिस करेंगे। थैंक यू। ठीक है हम जा रहे हैं। मेरे को मैंने तुम्हें वीडियो में ले लिया है, दावत वाली वीडियो में। नहीं अच्छी नहीं, अच्छा लग रहा था। अब वो बेबी सो रहा है, वो देखें वो बेबी सो रहा है। तो चलें अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। कोई बात नहीं। ओके पास्ता बताना कैसा बने।
और ये जी मेरे पास्ते को डिश नंबर 1 काउंट कर लें और अभी 5 डिशेस बाकी हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं अब, और अभी कोई नहीं आया, एक कट आई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किसने क्या क्या बनाया है। मेरा तो आपको पता है कि पास्ता बनाया है, और अब मैं दिखाती हूँ। टाइम भी हो गया 7:15 हो गए, 7:30 7:30 हो गए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है? चलें। तो भाई सबसे बड़ी तो आई है, मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या बनाया। वो कह रही है मुझे भी लोग मिले ला, तो इसलिए आज मैंने ले लिया, ठीक है? तो बड़ी ताई ने बनाए हैं टिक्के, और है भी बड़े मज़े के। अभी चखाए हैं पिछली बार नहीं, अभी छोटी तो बड़ी ताई ने फ्राइंग वाले काम लिए थे यार, कबाब, हाँ सीख कबाब वगैरह। शुक्र है मौसम अच्छा है, और ये उन्होंने टिक्के बनाए हैं। डिश आउट करूँगी तो फिर, हाँ चले अब वो डिश आउट करेंगी, ठीक है? तो भाई फीदा आंटी ने बनाया है पुलाव, क्योंकि वो चावल ज़रा अच्छे बना लेती हैं, और बड़ी ताई बस खड़ी हुई हैं कोयले के लिए, सिर्फ अभी धुनी देनी है। अल्लाह माफी, बैठी हुई हैं अगले काम के इंतजार में। फरीदा आंटी हाँ उसमें आ जाएगी। और फ्रीदा आंटी ने एक तो चावल दिखाई दी है मैंने, फ्रीदा आंटी मैंने आपके पुलाव दिखाई दी। फ्रीदा आंटी ने आज मैचिंग चावलों के साथ मैचिंग कपड़े पहने, सही है ना? और जी ये लोग यहाँ पे एक टिकटॉक डिस्कस कर रहे हैं, जो मेरी सेकंड नंबर वाली ताई हैं उन्होंने फ्रीदा आंटी जो थर्ड नंबर वाली ताई हैं उनके नाम पे सबको भेज दी थी। और ये जी डिश नंबर 4th है मटन कढ़ाई, जो मेरी सेकंड नंबर वाली ताई है उन्होंने बनाई है। और ये जी हम लोग बैठे वेट कर रहे थे, अभी मेरी दो जो चचियाँ हैं वो नहीं आई थी, बस उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं। तो बस फिर रिएक्शन दो, रिएक्शन दो, आप कढ़ाई बना के लाई। आई बस आंटी धोखा दे गई, निहारी बना लाती। मैंने पास्ता बनाया, बोतलें लेके आई हूँ, अपनी बोतलों को भी कहते ना मैं बोतलें लेके आई। ये एक्चुअली ना शायद आंटी आपको मेरी हर वीडियो में दावा चावत की ऐसी लेटी मिल, आप ठीक है? ये फ्रीदा आंटी ऑटोमेटिक काम कर रही है, मैनुअल चलता है। ये वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है आंटी, बंद हो गया सब झुकते मारते हुए। और जी यहाँ जो शनाज आंटी है वो बच्चों को खाना खिलाते हुए, और ये बच्चे ये लोग ना पहले शिफ्टे लगा रहे, चख रहे हैं कैसा बना है। सारी बोटियाँ तो तुम लोग ही खा लोगे, बच्चों को पहले सेशन एक ये बैठी है, इनका बच्चा पता नहीं किधर है, ये छोड़ा ही है कहीं अब्बा पास। हाँ जी क्या कह रही है? और जी ये अपनी बच्ची के मिनते तरले करते हुए के खा ले, ताकि बाद में आराम से सुकून से खा सके। और जी अब तीन चचियों बाद फिर मम्मा आती हैं 4th नंबर पे। 5th नंबर पे जो चची हैं वो कोरमा बना के लेकर आई हैं, और इसके बाद जो सबसे छोटी चची हैं अब वो बना के लेकर आई हैं कच्चे कीमे के कबाब, ये वाले बहुत मज़े के थे, कोरमा वगैरह सब कुछ बहुत मज़े का था, कबाब भी बहुत मज़े के थे। तो भैया हमारा एक पास्ता गर्म हो गया ओवन में, और दूसरा ओवन छोटा था, तो इसलिए एक हमने इसको इस तरीके से चावलों के उसके अंदर रख दिया, चावल ठंडे हो जाए लेकिन पास्ता गर्म हो जाना चाहिए। चूल्हा तो जला लो फिर। नहीं नहीं वो हीट में ही हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत करना है, नीचे से वो वैसे भी गर्म है, ये गर्म है। और यहाँ सब मर्द हसरात खाना खुलने का इंतजार करते हुए। मैंने कहा था पिछली अगली बार औरतों का खुलेगा। और बस जी फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई और खाना शाना खाया, मताफ फैज़ के पास था, और इसके बाद हम लोग खाना शाना खा के फ्री हुए और उसके बाद डिस्कशन शुरू हुई कि मीठे में क्या आएगा। तो सुने
पैरालाइन नहीं पापा जी कुल्फी भी खाएंगे। एक मिनट, पैरालाइन चॉकलेट और वनीला। वनीला नहीं, दो लीटर पिस्ता भी होता है। पिस्ता को ज्यादा वनीला दे दो। वो फातिमा ने खाया। फातिमा ने खाने भाई। अच्छा नहीं फिर वो जमी भी होती है और चेक करके लाना दबा के जमी वो कितनी आएगी और ये जी सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि आदमियों में आधी आवाम को शुगर थी, तो सबने कहा कि औरतों में आएगी 4 लीटर और मर्दों में जाएगी 2 लीटर, तो मर्द कम खाएं। और वो कह रहे थे नहीं, सबसे ज़्यादा हम ही ने खानी है, हमको ही सारी आइसक्रीम दे दो। और जब आइसक्रीम के बाद अगला टॉपिक है शुगर, शुगर का कि किसको कितनी शुगर है, तो आप सुन दें चाहे कि सबकी क्या क्या डिस्कशन है। चलो ले जाओ, शुक्रिया। चाचू दिखाए 6.4 शुगर है। ये चाचू आपकी कितनी शुगर है? 5.8। वेरी गुड, खाए। हाँ हुई ना। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। शायद मेरी आइसक्रीम का है। ले ले मेरी। हाँ ले ले। चल ले ले। ये नॉर्मल शुगर वाले हैं। ये भी। चाचू आपकी तो शुगर नहीं है। नहीं चाचू आपकी 5.8 है, मैंने सुन लिया। ये भी शुगर वाले आइसक्रीम खा रहे हैं। ये जिम वाले। ये देखो पापा, ये आपने पूरा डोंगा खाया। हाँ जी। और ये आप चाचू पूरा डोंगा खाया ना? मैं जो मिली नहीं। अल्लाह नहीं भाई, बाबा मिली तो है। अभी उसकी शुगर 8 आई होती तो कहीं ठीक है। चाचू आप तीसरी प्याली खा रहे हैं? ओए पागल है, पहली प्याली आपने बाहर से भी ली है। कल ही बल्कि मैंने लगाया, कल ही है। फ्रीडांडी हम जा रहे हैं। शुक्रिया कावे का भी। शाह फ्रीडांडी ने कावा भी बना के पिला दिया। अच्छा ये आएगी मंडे को, मंडे को क्योंकि तरीके से अब हम लोग आ गए हैं घर और टाइम कोई 11:30 का हो गया है। तो बस अब जो है कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, मेकअप धोऊंगी, मुंह धोऊंगी क्योंकि भारी हो रही हैं आंखें मेरी, वैसे भी मस्कारे से बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं आंखें। मताफ जो है वो अभी भी सो के उठा है, सो गया था। जोह की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ जाते साथ, उसको वॉमिट वगैरह हो गई, उसके सारे कपड़े बेचारे के ख़राब हो गए। जो कितनी अच्छी शर्ट लगती थी फिर भी बेचारे को वो नहीं पहन सका, पता नहीं एकदम उसको क्या हुआ, शायद हब्स चढ़ गया, मुझे समझ नहीं लगी क्या हुआ, जबकि मौसम भी ठीक है। गर्म नहीं हो सकता था क्योंकि एक डिश हो गई, दूसरी डिश नहीं हुई क्योंकि माइक्रोवेव मतलब के साइज के हिसाब से डिश पड़ी थी। तो बस इस वीलॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और मेरे पिछले वीलॉग्स भी जाके देख लें, जल्दी जल्दी से देख लें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।
करें जल्दी जल्दी करें जल्दी जल्दी करें। तो ये ना मेरे बच्चे, ये देखें जहू को ये वाला ड्रेस पहनाया, और मताब मेरा पालू छा बेटा है ना, पास्ता खाया था ना? भाई ईद की दावत, ईद जो है वो अब पूरी हुई है, जब सारी वो एक मतलब इकट्ठी दावत होती है ना बड़ी, तो उसके बाद ही लगता है कि ईद पूरी हुई है। और सब सब कुछ बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत अच्छा बना था, और एंड पे जो आइसक्रीम पे वो तो और भी ज़्यादा अच्छा था। तो बस अब अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब रेस्ट करेंगे, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, काम बहुत ज़्यादा थे, तो बस अब हम लोग रेस्ट करेंगे और चलें फिर। मैंने देखा भी नहीं कि कितने पैसे। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें।